यहाँ से इसका सम्मान विदाई प्राप्त करें। आपने सभी जो परिजन हैं उन सभी के सामने एक ये जो सम्मान वाला क्षण है जिसे देखने का हर किसी का सपना होता है बेटा, ये और वो भी ऐसे समय में जब आजकल हर किसी को बीमारी घेरे हुए है, कहीं ना कहीं हम लोग कभी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, कभी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, कुछ लोग समय से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल से ये क्षण मिलता है कि कोई भी व्यक्ति करे की उसका सम्मान सेवानिवृत्त हो सके। और मौसा जी तो एक शिक्षक है, जब मौसा जी पहली बार मेरे घर आए थे तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि बेटा क्या करते हो, मैंने कहा टीचर हूँ। उन्होंने कहा था बेटा सिर्फ टीचर होने से काम नहीं चलेगा, समाज में अपनी एक पहचान बनाओ। और उनके आशीर्वाद से एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में मेरी एक अच्छी पहचान है। और मौसा जी के आशीर्वाद मौसा जी के आशीर्वाद चाहूँगी मैं। और कुछ मार्गदर्शन से मैंने कुछ चार कविताएँ लिखी, चार लाइनें लिखी हैं अभी भी बैठे बैठे। पहले मुझे पेन नहीं मिल रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से पेन ढूंढा, चार लाइनें लिखी और जब तक बोलने का मौका आया तब तक डीजे स्टार्ट हो गया था। तो कुछ चार लाइनें लिखी है मैंने। मौसा जी मौसी जी को मेरा सादर प्रणाम, समाज में बढ़ता रहे यूं ही आपका मान। ये पल नहीं विदाई का, ये पल नहीं विदाई का, ये एक नई सुबह है समाज में आपके बढ़ते सम्मान का। ईश्वर आपको दीर्घायु करे, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, हमें आपका आशीर्वाद यूं ही सदा मिलता रहे। थैंक यू। थैंक यू रितु। और इसी क्रम में हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है दोस्तों, याद करते हैं। आ जाओ।